लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान एक दूसरे पर तंज भी कस रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि बीजेपी का केरल में सिर्फ एक ही खाता खुल सकता है और वो है बैंक में खाता। थरूर ने कहा कि बीजेपी केरल में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकती है। अब थरूर के इस तंज का जवाब भी उन्हें तंज से ही मिला है। बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शशि थरूर के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अभी जातिवाद और अहंकार को देखो, ठेठ कांग्रेस। इसके आगे नड्डा ने लिखा कि हमें गर्व है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए बैंक खाते खोलती है। कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता ही नहीं की क्योंकि उन्होंने केवल वोट बैंक और एक राजवंश के बैंक खातों की ही परवाह की थी। उन्होंने लिखा कि केरल में ऐसे तत्वों को भी वे परास्त करेंगे।